नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है बीकानेर ओखा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की। दोस्तों इस ट्रेन को 10 जनवरी से एक स्पेशल ट्रेन के रूप में शुरू किया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 04715 बीकानेर ओखा सुपरफास्ट स्पेशल, जो सप्ताह के हर मंगलवार को बीकानेर जंक्शन से ओखा के बीच चलाई जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेवल टाइम की तो यह बीकानेर से ओखा के बीच 1170 किलोमीटर की यात्रा लगभग 24 घंटे 10 मिनट में पूरा करेगी। इसके बीच यह 18 स्टेशनों पर रुकेगी। इसकी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें ICF रेक श्रेणी के सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। दोस्तों इस ट्रेन की टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर ले। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों बीकानेर ओखा साप्ताहिक स्पेशल जो बीकानेर जंक्शन से दोपहर के 3:50 पे रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है नोखा, 4:36 पे पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है नागौर, शाम को 5:05 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 5:10 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद मेड़ता रोड जंक्शन 6:05 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 6:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे जोधपुर जंक्शन, रात को 8:20 पे था 10 मिनट के ठहराव के बाद 8:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे लूनी जंक्शन, रात को 9 था 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:02 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सामदड़ी जंक्शन, 9:50 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे मोकलसर, 10:16 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे जालोर, रात को 11:43 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे मोदरान, 11:12 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:14 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे मारवाड़ बीनमाल, 11:34 पे था 3 मिनट के ठहराव के बाद 11:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे रानीवाड़ा, रात को 12:08 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे बीलड़ी जंक्शन, रात को 1:50 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे महेसाणा जंक्शन, सुबह के 4:05 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 4:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे विरमगाम जंक्शन, 5:13 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सुरेंद्र नगर जंक्शन, 6:41 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:43 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे राजकोट जंक्शन, सुबह 8:55 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 9 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे हप्पा, 10:25 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 10:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे द्वारका, दोपहर के 1:14 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। तथा इसके बाद ये पहुंचे ओखा, शाम को 4 तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।